अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुरूद पाक का पढ़ना ये अहले ईमान का शेवा और अहले ईमान का तरीक़ा है। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको ये बताऊंगा कि जुमा के दिन इस ख़ास दुरूद पाक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो दुरूद पाक कौन सी है, सबसे पहले उस दुरूद पाक को आप सुन लीजिए और उसके बाद जो उसकी फजीलत है वो इंशाअल्लाह तबारक व ताला मैं बयान करता हूँ। दुरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिही व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व सल्लिम तस्लीमा। इसको पढ़ना कैसे है तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले पहले 80 मरतबा इस दुरूद पाक को जो पढ़ेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। आप मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए हुए हैं या औरतें अपने घरों पर, हमारी बहनें अपने घरों पर नमाज पढ़ रही हैं, तो अपनी जगह से नमाज अदा करने के बाद न उठें असर की नमाज, और उसके बाद उसी जगह पर बैठे बैठे 80 मरतबा इस दुरूद पाक का विर्द करें तो फरमाते हैं कि 80 साल की इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा और ऐसे ही 80 साल के गुनाहे सगीरा भी अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देगा। जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि 80 तक पहुंचना बहुत कम लोगों के नसीब में आता है, और 60, 70, 65, 55 कभी इत्तेफाक से ऐसा भी होता है कि 40-45 में भी लोग यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने का सवाब अता फरमाए, तो ये चाहिए कि हर जुमा को असर की नमाज के बाद 80 मरतबा इस दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब भी आपको हासिल होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद बंदे पढ़ते हैं अल्लाह के फरिश्ते उन दुरूदों को उन बंदों के नाम और उनके आबाओ अजदाद के नाम के साथ पहुंचाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके दुरूद को सुने? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं मैं उनके नाम को उनके आबाओ अजदाद के नाम के साथ जानता हूँ। तो आपको चाहिए कि आप बार बार दुरूद पाक पढ़ें ताकि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो आपकी तरफ बनी रहे, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल हो। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये मालूमात हासिल हो और वो भी इस पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।